नमस्कार मित्रों, लगातार 2 दिनों से एक प्रश्न बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वह प्रश्न न्यूटन के गतिकी नियम से संबंधित एक खेल क्रिया का है और बहुत से विद्यार्थी लगातार व्हाट्सअप कर चुके हैं और उसके अंदर वो दिक्कत भ्रमित हो रहे हैं। अब वो प्रश्न क्या है, सबसे पहले आप उस प्रश्न को देख लीजिए, फिर हम उसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे कि क्यों यह प्रश्न इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। तो यह प्रश्न आपके सामने है कि एक खिलाड़ी जब किसी बॉल को कैच लेता है तो बॉल को हाथों में संपर्क आने के बाद हाथों को नीचे की तरफ खींचता है, यहां पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? वैसे मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मैं इससे संबंधित बहुत से वीडियोस पहले बना चुका हूं। कुछ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैंने इस खेल क्रिया को जो है वह आपको बतौर एग्जाम्पल भी समझाया था। उस वक्त भी बहुत से विद्यार्थी जो है वो दिग्भ्रमित थे और इन्होंने इसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम से जोड़ने का प्रयास किया, जबकि ऐसा नहीं है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है। तो यह फिर किससे रिलेटेड है, इसे देख लेते हैं। सर्वप्रथम आप कैचिंग की क्रिया को देख लीजिए। देखिए, अब क्रिकेट के कैच को भूल जाइए, कोई भी बॉल जो हवा में आती है उसको कैच करते हैं तो न्यूटन के गति का वही नियम लागू होता है जो इस क्रिया के अंदर लागू हो रहा है। अब यह चाहे क्रिकेट का कैच हो, चाहे आप फुटबॉल का गोलकीपर अपनी बॉल को हवा में पकड़े, तो जो भी कैच आसमान से पैराबोला से आया वह जब पकड़ा गया तो उसके ऊपर न्यूटन के गति का कौन सा नियम लागू हुआ? तो देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं आपको यह बता दूं कि यह जो क्रिया है इसके अंदर हवा में आती हुई एक बॉल जिसका कि वेग बहुत ज्यादा तेज है, उसके वेग को परिवर्तित किया जा रहा है। वेग को परिवर्तित करना संवेग कहलाता है और संवेग किसके अंदर आता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अंदर संवेग आता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग का नियम, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु की गति में परिवर्तन होता है जो लगाए गए बल के समानुपाती और लगाए गए बल की दिशा में होता है, लेकिन वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसा कि इस क्रिया के अंदर आप देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एयर बैलून है और दूसरा मेडिसिन बॉल है। जब एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, बल आरोपित किया जा रहा है, तो जो भारी बॉल है जिसका मास ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसके ऊपर ज्यादा किक किया जा रहा है, ज्यादा बॉल को पीछे ले जाया जा रहा है, लेकिन बॉल जितना पीछे ले जा रहे हैं उसके बावजूद भी आगे नहीं जा रही है। जबकि एक कम मास की वस्तु, कम द्रव्यमान की वस्तु, कम सहती की वस्तु, बैलून के ऊपर हम उतना ही फोर्स एप्लीकेशन करते हैं तो फोर्स आगे चला जाता है, सॉरी ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम यही कहता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू F मतलब कितना बल लगाना है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान, M इंटू A कितनी गति देनी है, एसेलेशन देना है, इसके ऊपर निर्भर करता है। द्रव्यमान क्या चीज होती है इसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। द्रव्यमान देखिए, सामान्य शरीर का जो भार होता है, मान लीजिए मेरा भार है 70 किलो, लेकिन अगर इसके साथ 10 किलो का बैग और लगा दिया जाए तो मेरे शरीर का भार अब 70 और 10 कितना हो गया, 80 किलो हो गया। तो यही चीज कहती है, कोई हवा, सेम साइज का एयर बैलून जो है उसके अंदर केवल हवा है, आकार उतना ही है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान हुआ वो हुआ 10 ग्राम। लेकिन उसी साइज का एक लोहे की बॉल या मेडिसिन बॉल है 3 किलो की, तो उसका द्रव्यमान कितना, 3 किलो हुआ। तो न्यूटन का दूसरा गति का नियम स्पष्ट तौर पर क्या कहता है इस संदर्भ में, इस प्रश्न का एग्जाम, सॉरी इस प्रश्न का उत्तर मैं क्लियर कर देता हूं। जब एक व्यक्ति हवा में आती हुई कैच को पकड़ता है, अगर वह बॉल के नीचे अपने हाथ को ऐसे कैसे रखेगा और हाथ हटाएगा नहीं तो बॉल बहुत तेजी से आकर लगेगी और तेजी से आकर लगेगी तो बॉल वापस पलट कर भी जाएगी जिससे हाथ में चोट लगेगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, किसी भी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, किसी भी बल के विरुद्ध एक बल आरोपित होता है जो लगाई गई क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होती है। तो अगर हम लोग हाथ नहीं हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अंदर बॉल आई टकरा कर गई जिससे हाथ चोटिल भी हो गया। संवेग का नियम क्या कहता है, संवेग का नियम कहता है किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण, अब बॉल हवा में आ रही है, मैं उसको खींचकर अपनी तरफ ला रहा हूं, उसके मोमेंटम को, उसके संवेग को चेंज कर रहा हूं, किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर से बॉल आ रही है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी है 9.86 g, लेकिन हमने क्या किया, अपने बल को उसके ऊपर लगा दिया और बॉल का जो फोर्स था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, किसमें, हमारी बॉडी के अंदर समाहित कर लिया, जिससे बॉल की वेग, बॉल की गति परिवर्तित होगी और बिना चोट लगे हमने इजीली उस बॉल को पकड़ लिया। यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहलाता है, जिसमें हम किसी भी वस्तु की भार के अनुसार, संवेद द्रव्यमान के अनुसार उसके वेग को परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए, क्रिकेट की बॉल को मैंने दोनों
हाथ बहुत छोटे में रख के पकड़ा, फुटबॉल होती तो मैं थोड़ा सा वाइड करता अपना एरिया, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा कि किसी वस्तु की गति को परिवर्तित करने के लिए बल लगाया जाता है जो लगाए गए बल की दिशा और लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बड़ा है, उसका बेस वाइड है, द्रव्यमान ज्यादा है, क्रिकेट की बॉल छोटी है लेकिन फुटबॉल बड़ी है, मैं इतना सा ही हाथ लगूंगा तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, उसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएगा। इसलिए फुटबॉल को पकड़ते वक्त मुझे हाथ को थोड़ा सा वाइड देना पड़ता है एंगल स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन काम मैं वही करता हूं जैसा कि आपने पहले देखा था, गोलकीपर भी बॉल को अपनी तरफ लाकर और उसका मोमेंटम चेंज कर रहा है। तो यह लॉ ऑफ एक्सीलरेशन संवेग का नियम न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहलाता है, जिसमें हम किसी भी वस्तु की गति को परिवर्तित करते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ गए होंगे। न्यूटन की गति के नियम, उत्तोलक मतलब लीवरों के ऊपर, एक एक हजार प्रश्न बनते हैं क्योंकि तीन उत्तोलक है लेकिन तीन नियम है। जीवन की समस्त गति के अंदर न्यूटन के गति के तीन नियम आते हैं, प्रत्येक नियम किसी न किसी गति के अंदर लागू होता है। किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो प्रथम नियम, मध्य अवस्था में द्वितीय नियम और तृतीय नियम। सेम ऐसे ही उत्तोलक जीवन की प्रत्येक चीज न केवल यांत्रिक कार बस के अंदर भी बल्कि अपने शरीर में भी काम आता है। तो इनके ऊपर बहुत प्रश्न बनते हैं, हजारों हजारों प्रश्न बनते हैं। आप कहेंगे तो मैं बना के दिखा भी दूंगा। आशा उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।